प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 और सूरत में मेट्रो कार्य का किया शिलान्यास। किसान ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं यह तय करना पुलिस का काम, अब बुधवार को अगली सुनवाई। राहुल गांधी का आरोप, पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी सरकार। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ने तोड़ा रिकॉर्ड, मुंबई में 90 पार पहुंचा, अन्य राज्यों में भी खूब बढ़ी कीमतें। अब फसलों के भाव, नरमा 5770, कपास 5580, गवार 3400 से 3700, मोठ की फसल 5500 से 6300, मूंग की फसल 5500 से 6500 और मूंगफली 4795 से 4888 रुपये तक बिकी। सफ़ेद तिल 7100 से 8100 रुपये, तिल काला भूरा 7500 से 7600, तिल काला 95 से 10000, तिल जड ब्लैक 11000 से 13150 तक बिका। भट्टुकला के खास समाचार, भट्टुकला बालाजी पब्लिक स्कूल में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र साई की टीम प्रथम रही। भट्टुकला कॉलेज के पुस्तकालय भवन में लगाई गई ऐसी प्राचार्य ने किया निरीक्षण, अब वातानुकूलित होगा भवन। भट्टुकला CSC के अंदर में पहुंची 200 डोज कोरोना वैक्सीन, मंगलवार से टीकाकरण का कार्य होगा शुरू, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। वहीं तऊ देवलाल टाउन पार्क भट्टुकला में अब महिलाओं ने भी अपना जोर शोर दिखाया। किसान सभा के महिला दिवस मनाते हुए यहां बैठक आयोजित की, जहां सैकड़ों महिलाएं इसमें जुटी। गांव मेवाला में शहीद खेतपाल का शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद खेतपाल हुड्डा के स्तार में शहीदी दिवस मनाते हुए इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गांव मेवाला में शहीदों को याद किया गया। वहीं किसानों को भी, जो जिन किसानों ने आंदोलन में साथ दी, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब प्रदेश से जुड़ी खबरें। PMFBY की तर्ज पर हरियाणा में शुरू होगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, 20 फसलें होंगी शामिल। निर्मला सीतारमण के साथ मनोहर लाल मुख्यमंत्री की बैठक, केंद्र के से CM ने मांगे 5000 करोड़ रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात, हरियाणा के 6 रेल प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। फतेहाबाद जिले के बाढ़ प्रबंधन के लिए खर्च होंगे 5 करोड़ 13 लाख 43 हजार रुपए। इसी के साथ समाचार समाप्त।